हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए आपसे ये जानना चाहती हूं, आप अभी कश्मीर में हैं या वापस अपने अपने सिटी में आ गए हैं? मतलब पवन एंड अरुणिता जो अपनी गड्डी लेके निकले थे और आपको कश्मीर की सैर कराने, वो भी इतनी चांदनी रात में और इतने ठंड वाले मौसम में, अप्रैल के ठंड में और मई की ठंड में अगर आपको कश्मीर घुमाने लेकर गए थे तो आप घूमे फिरे आपने? मतलब इन दोनों ने, मतलब मैं तो बोलूँ कि स्कूल भी घुमाया आपको, फिर वो साथ ही में स्कूल के साथ में वो एक कौन सा वो हाउस बोट भी दिखा दिया, फिर आपको नाव में भी घुमा दिया। तो आप वहीं हैं या वापस आए? अगर आप वापस आ गए होंगे तब मैं नई स्टोरी आपको सुनाने के लिए आ गई हूँ। तो चलिए सुनिए फ्रेंड्स, पवन एंड अरुणिता का जो नया सॉन्ग आया है, एक के बाद एक लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच ना एक कुछ एक ऐसी स्टोरीज मुझे लगा आपसे शेयर करने के लिए बहुत जरूरी हो गई है। आपने देखा होगा कि एक पोस्टर में दुलकर सलमान इसका पिक्चर लगाया हुआ है। अब डेफिनेटली मुझे भी ये लगता है कि भाई दुलकर सलमान का क्या कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन है कि इनफैक्ट इसी का एक और बताती हूँ। ऑलमोस्ट कुछ दिनों पहले मैं ये देख रही थी कि आप अगर इस प्रद्युम्न के इंस्टा पर जाते हैं तो आपको प्रद्युम्न के इंस्टा पर एक बहुत अनोखी चीज दिखाई देने वाली है। दैट इज ये वाला मैं बात कर रही हूं। ओके, आपको मैं एडिट में दिखा रही हूं। इसमें जो कश्मीर सॉन्ग का तमिल वर्जन है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, और इसमें विशाल का ही म्यूजिक है, लेकिन जो सिद्धार्थ है इसका पिक्चर इसमें दिखाया गया है। सिद्धार्थ मतलब साउथ इंडियन स्टार है और तमिल वर्जन उन्होंने ऑलमोस्ट 27 फरवरी को अपने हाथों से रिलीज किया है। ओके, इसलिए ये पिक्चर किया गया है। थोड़ी देर और थोड़ा और नीचे जाते हैं और इसमें आपको दिखाई देता है रिलीज बाय मृणाल ठाकुर 17th of December। यानी कि प्रद्युम्न के इंस्टा पर जब आप जाते हैं तो आपको एक्चुअली समझ में आ जाता है कि ये गानों में, पोस्टर में या क्रिएटिव में आपको कभी मृणाल ठाकुर तो कभी सिद्धार्थ और अब जाके आपको दुलकर सलमान का पिक्चर क्यों दिखाई देता है। बहुत सिंपल रीजन है, दुलकर सलमान के हाथों रिलीज किया गया है ऐसा मैं मानकर चल रही हूं। डेफिनेटली इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हूं, वो आ गया तो एक और स्टोरी बन जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल ये मानकर चलिए कि ये वाला गाना जो है, जो पवन एंड अरुणिता ने गाया है, वो दुलकर सलमान के हाथों रिलीज किया गया है और ऑडियो वीडियो जो भी है आपके सामने आया है वो गुड। अगर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस सब मिलकर नए सितारों की आवाज सुन रहे हैं तो दे विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड कि म्यूजिक बहुत अच्छे हाथों में जा रहा है। और अगर दुलकर सलमान पवनदीप की आवाज सुन रहे हैं तो मैं तो क्रॉसिंग द फिंगर्स करके बैठी हूं कि दोनों को अपनी फिल्म ले ले, की फर्क पड़ता है यार। वो मतलब हिंदी गा रहे हैं तो वो कन्नड़ा भी गा ले, वो तमिल भी गा ले, तेलुगु भी गा ले, मना ही किसने की है। संगीत की भाषा नहीं होती, सिर्फ इमोशन होता है। तो इसी इमोशन के साथ मैं सलमान मतलब दुलकर सलमान को और मृणाल ठाकुर को और सिद्धार्थ को रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार ट्राई कीजिए ना, बड़े अच्छे बच्चे हैं। ये तो मेरे दिली तमन्ना है, आपकी क्या दिली तमन्ना है? आप किस भाषा में पवन अरुणिता की आवाज या कोई गाना सुनना चाहते हैं जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।